नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते चले आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा रहती है, ये शंका बनी रहती है कि हम हनुमान चालीसा कैसे पढ़ें, कितनी बार पढ़ें, वो संख्या कितनी हो, या हम ऐसे कौन से पद्धति से या कौन सी पूजा विधि को अपनाएं हनुमान चालीसा का, जिससे पूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो सके। तो आज इस अंक में हम आपके सामने इसी संशय, इसी दुविधा को दूर करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहले इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान चालीसा करने से व्यक्ति के जीवन में बड़ी से बड़ी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। हनुमान चालीसा करने से बुद्धि और बल दोनों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से कष्ट और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान चालीसा करने से व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बड़े से बड़े दुखों को दूर कर देती है हनुमान चालीसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सुंदर ढंग से हनुमान चालीसा को शब्दों में उतारा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हनुमान चालीसा करने से कितने लाभ होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत संशय उनके मन में होता है। और जब हमारे मन में कोई शंका आ जाती है, कोई दुविधा आ जाती है, तो हमारे मन के जो भाव होते हैं वो बदल जाते हैं, फिर वो उतने सच्चे नहीं होते। तो हम अगर शंका लेकर, अगर दुविधा अपने मन में लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमें उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है, हम उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले सकते हैं। तो आज आपको हम ऐसी ये सारी जो आपकी दुविधाएं हैं, सारे जो संशय हैं, इस अंक में मिटाने की चेष्टा करेंगे। बड़ी ही आसान विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिसके पास समय है वो तो अपनी जिस विधि से हनुमान चालीसा जो पढ़ते चले आ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहें और लाभान्वित होते रहें, लेकिन जिनके पास समय नहीं है, यदि वो इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अवश्य ही उन्हें बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, और बड़े से बड़ा जो उनका रुका हुआ काम है वो सिद्ध हो जाएगा। बड़े से बड़े कष्टों से, कर्जों से और असफलताओं से उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो आइए बात करते हैं कि कैसे आप हनुमान चालीसा करें जिसका शीघ्र फल आपको प्राप्त हो सके और बिना किसी संशय, बिना किसी दुविधा के ही प्राप्त हो सके। तो जब भी आप हनुमान चालीसा करें तो दो बार करें, एक बार सुबह सूर्योदय के समय और एक बार सूर्यास्त के समय यानी शाम को। आप ये नियम बना लें कि सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा आरंभ करने से पहले आप तीन बार श्री सीताराम श्री हनुमान, श्री सीताराम श्री हनुमान, श्री सीताराम श्री हनुमान ऐसे ज़रूर बोलें, और हनुमान चालीसा करने के बाद भी तीन बार श्री सीताराम श्री हनुमान जी का नाम का उच्चारण करें, और अगर हो सके तो कपूर के साथ सुबह और शाम हनुमान जी की आरती करें। आप हनुमान जी को एक फूलों का हार जो आपने अपने हाथों से तैयार किया हुआ हो, कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार जाकर और वहाँ से फूलों की माला ले आते हैं और वो पिरोई हुई फूलों की माला हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी पूजा का जो कुछ अंश है, जो कुछ फल है, वो उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कहा भी जाता है कि सबका कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कहा जाता है कि सबका कल्याण सोचना चाहिए, लेकिन अगर हो सके, अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, तो जो फूलों का हार है, जो फूलों की माला है, इन एक एक फूलों को आप अपने हाथों से धागों में पिरोने की कोशिश करिए और उसका हार बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप तेल का या घी का, जैसे भी आप सक्षम हो, उसका एक दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और कपूर के साथ हनुमान जी की आरती करें, और उसके बाद आप अपनी प्रार्थना, आप अपनी मनोकामना हनुमान जी को बताएं। जो भी आप जीवन में फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से हनुमान जी के समक्ष अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना रख दीजिए, और इस विधि को आप 40 दिन तक लगातार करिए।
आप 40 दिन तक इस प्रयोग को, इस विधि से आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा जो आपका कार्य है, जो आपने सोचा हुआ है, जो अब तक पूर्ण नहीं हुआ है किसी वजह से या फिर रुका हुआ है, तो वो काम आपका पूर्ण हो जाएगा। बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा कर्ज, बड़े से बड़ा संकट आप पल भर में दूर कर देंगे। इन 40 दिनों के अंदर ही आपका जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा। और यदि किसी वजह से 40 दिन के अंदर ये कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसके आसपास ही आपका कार्य जरूर सिद्ध हो जाएगा और बड़ी से बड़ी मुसीबतों से, कष्टों से आप हमेशा मुक्त हो जाएंगे। तो आप इस विधि से हनुमान चालीसा को पढ़िए। ये आपको बिल्कुल भी यहाँ परेशान होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की दया आपको ज़रूर प्राप्त होगी। हनुमान जी ज़रूर दया करेंगे, कृपा करेंगे, सदैव आपको संभाल के रखेंगे और सदैव आपकी रक्षा सुरक्षा करते रहेंगे। क्योंकि देखिए, हनुमान जी की कृपा हमें अपने जीवन में कोई एक दिन के लिए नहीं चाहिए, हमें जीवन भर हनुमान जी की कृपा चाहिए, हमें उनका आशीर्वाद हमेशा चाहिए, हमें चाहिए कि हनुमान जी हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा हमेशा करते रहें। तो आप इस विधि को अपनाएं और इससे ज़रूर लाभान्वित हों। अगर आप कैची धाम जा रहे हैं या महाराज जी के किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप कोशिश करें थोड़ा समय निकाल के आप महाराज जी के सामने बैठकर या श्री मां के सामने बैठकर आप उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर सुनाएं। अगर महाराज जी के मंदिर जाना संभव नहीं है, तो आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में चले जाएं। देखिए, हनुमान जी और महाराज जी में कोई अंतर नहीं है। आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में चले जाएं और आप वहां भी थोड़ा समय निकाल के हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ करके ज़रूर सुनाएं। ऐसा करने से भी आपको बहुत बहुत लाभ प्राप्त होगा। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपकी भक्ति में सहायक सिद्ध होगी। इस अंक को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।